गर्मियां चालू हैं और गर्मियों में सभी का कुछ ठंडा खाने या पीने का मन होता है, और ऐसे में बाहर का कुछ अभी हम खा भी नहीं सकते, तो क्यों ना फ्रेंड्स आज घर पे ही कुछ ठंडा ही बनाया जाए। तो फ्रेंड्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में इंदौर की फेमस शाही सिकंजी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना और मेरे चैनल रचना इन द किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ताज़ा दही। तो फ्रेंड्स दही मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है और दही हमें यहाँ पर ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। तो चलिए हम दही को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसके अंदर रख देते हैं एक कपड़ा, और कपड़े के ऊपर हम डाल देंगे दही को। तो फ्रेंड्स हमें दही को यहाँ पर डाल के इसका सारा पानी निकालना है, यानी कि दही को हमें अच्छे से थिक कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना है क्योंकि हमें पानी यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम कपड़े को रख देते हैं ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो हमारा दही तो सेट हो रहा है, तब तक हम दूध देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर चितले का दूध, और चितले का दूध लिया है और ये फुल क्रीम दूध है, लेकिन आप दूसरा भी ले सकते हैं। पर फ्रेंड्स दूध यहाँ पर फुल क्रीम वाला रहेगा तो शाही सिकंजी बहुत ही अच्छी बनेगी, यानी कि हमें दूध को ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो चलिए हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कढ़ाई। अगर आप कोई पैन में डालना चाहते हैं तो उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि बर्तन का तला थोड़ा सा जाड़ा होना चाहिए, नहीं तो दूध तले में चिपक जाएगा। तो चलिए हम दूध को यहाँ पर छान कर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक छलनी और दूध को अच्छे से छान कर इसके अंदर डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध कंप्लीट ले लिया है। तो चलिए अब हम कढ़ाई को रखते हैं गैस के ऊपर। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है और हम इसमें दूध को अच्छे से उबाल आने देते हैं। तब तक हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 10-12 काजू और 10-12 बादाम लिए हैं, और इनको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था ताकि बादाम का छिलका अच्छे से निकल जाए। अगर आपको यहाँ पर बिना भिगोए बनाना है तो आप इन्हें गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दीजिए तो बादाम का छिलका निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बादाम का छिलका निकाल लेती हूँ। तब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर काजू और बादाम दोनों को अच्छे से तैयार कर लिया है, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ किशमिश। तो मैंने किशमिश को भी भिगो कर रखा था तो ये भी अच्छे से भीग चुके हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम दूध को देख लेते हैं कि हमारा दूध बॉईल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर दूध भी बॉईल हो गया है, यानी कि दूध में उबाल आने लगा है। तो बस हम यहाँ पर दूध को उबाल आ रहा है तो ऐसे ही हिलाते जाएंगे और गैस को रखेंगे मीडियम फ्लेम पे, और इस तरीके से अच्छे से स्पैचुला की मदद से दूध को हम मलाई आने पर उसके अंदर ही मिक्स कर देंगे और अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। यानी कि हमें दूध को अच्छे से पकाना है, 1 लीटर दूध को हमें 1/2 लीटर बनाना है। तो दूध को हम मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही हिलाते रहेंगे और उसकी जो मलाई आएगी वो उसी के अंदर मिक्स करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर हमारा दूध कम हो चुका है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ। तो ये मैंने केसर के कुछ धागे लिए हैं और दूध में इसमें से थोड़ा लेकर केसर के धागों में इस तरीके से डाल दूंगी। और दूध को बीच बीच में इस तरीके से हम चलाते रहेंगे, नहीं तो तले में चिपक सकता है।
और ये देखिए फ्रेंड, दूध की क्वांटिटी कम होने लगी है, यहाँ पर दूध गाढ़ा होने लगा है। तो फ्रेंड्स, बस इसी स्टेज पर हमने जो दूध में केसर के अंदर दूध मिलाकर रखा था वो हम डाल देंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने 4-5 इलायची ली है, तो उसका पाउडर बनाकर वो भी हम दूध के अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ी देर और हम दूध को पका लेंगे। इसे तो दूध गाढ़ा हो गया है, लेकिन थोड़ी देर हम और रखेंगे ताकि और अच्छे से दूध गाढ़ा हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है, यानी कि बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो बस अब हम गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे और हमारी आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सी का जार, और जार के अंदर डाल देते हैं, ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने काजू और बादाम दोनों ही ले लिए हैं और दोनों ही जार के अंदर डाल देंगे। और ये हमारा दही जो हमने पानी निकाल लिया है, तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर ले लेते हैं 3 से 4 चम्मच शक्कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 चम्मच शक्कर ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पर शक्कर की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो चलिए अब हम सभी चीज़ों को मिक्सी में अच्छे से पीस लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, पीसने के बाद में यहाँ पर अच्छे से पीस नहीं पाया है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है, इसलिए ये अच्छे से नहीं मिक्स हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा इसके अंदर दूध डालेंगे, जो हमने दूध यहाँ पर बॉईल करके रखा था बस वही आधा डाल दिया है। और फिर से हम इसे मिक्सी में घुमा लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूध डालने के बाद में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो जो बाकी का दूध है हमारा, वो भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पर सारा दूध इसके अंदर मैंने डाल दिया है, और इसको हम थोड़ा सा और मिक्सी में चला लेते हैं। और ये लीजिए, ये भी हमने पीस कर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शिकंजी बनकर तैयार हो गई है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी, एकदम क्रीमी सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे किशमिश बचे हैं वो हम अभी डाल रहे हैं। आप चाहो तो इन्हें जब हमने बादाम और काजू यहाँ पर पीसी थी उसके साथ में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जब पूरे मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो चलिए हम शिकंजी को कर देते हैं ग्लास के अंदर सर्व। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 2 ग्लास, और ग्लास के अंदर हम डालेंगे एकदम गाढ़ी गाढ़ी बहुत ही टेस्टी शिकंजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शिकंजी तो डाल दी है, लेकिन हम करेंगे थोड़ी सी गार्निशिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं ले लेती हूँ थोड़े से पिस्ता, और पिस्ता से कर देते हैं गार्निशिंग। और डाल देती हूँ इसी के साथ में केसर के धागे, तो उससे दिखने में भी सुंदर है और खाने में भी टेस्टी होगी। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ठंडी ठंडी शाही शिकंजी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इंदौर की शिकंजी बना के खा के देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसे खाने के बाद आप सारी शिकंजी का टेस्ट भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाइए, खाइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।